मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ दीपक जाकर चैटर्जी ऑफ ज्योग्राफी एट शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर शेखावाटी सीकर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे जल परिवहन। जल परिवहन में हमने कल की कक्षा में पढ़ा था आंतरिक जल परिवहन, और आज पढ़ेंगे महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन है कि विश्व का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। स्थल और वायु परिवहन दोनों से सस्ता परिवहन का साधन है वो कौन सा है? महासागरीय जलमार्गों द्वारा कहलाता है। विश्व के प्रमुख महासागरीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला नाम आता है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग। उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर जलमार्ग। तीसरा आता है उत्तमाशा, उत्तमाशा आंतरिक जलमार्ग। और चौथा आता है, वो है आपका दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक जलमार्ग। पांच नंबर पर आता है खाड़ी, कैरिबियन जलमार्ग। छठा आता है वो है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, और सातवां आता है वह है स्वेज नहर जलमार्ग, आठवां आता है वह है पनामा नहर जलमार्ग। कौन सा है? पनामा नहर जलमार्ग। हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग की। ये विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम जलमार्ग है। विश्व का सबसे अधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग। ये विश्व के एक चौथाई व्यापार का एक चौथाई भाग, 1/4 भाग इसी मार्ग द्वारा प्रवाहित होता है। उसके बाद विश्व के 1/4 विश्व के 25% धात, विश्व के 25% धात हैं वो इसी मार्ग द्वारा प्रवाहित होते हैं, इसी मार्ग पर चलते हैं। कौन से पर? उत्तरी अटलांटिक पर। दूसरी बात कि विश्व के जो 50 सबसे बड़े बंदरगाह है, विश्व के 50 सबसे बड़े बंदरगाह है उसमें से 30 बंदरगाह, उसमें से कितने? 30 बंदरगाह है आपके उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग पर। उसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग। भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। सबसे व्यस्तम तो कौन सा था? उत्तरी अटलांटिक। ये क्या है? सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग, सबसे लंबा व्यापारिक महासागरीय जलमार्ग है जो विश्व के सबसे बड़े स्थल भाग, सबसे बड़े स्थल भाग
में परिवहन का कार्य करता है कि विश्व की कितने 75% जनसंख्या सेवा करता है, विश्व के सबसे बड़े स्थल वाहक की सेवा करता है। विश्व की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो विश्व की 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या की सेवा करता है। उसके बाद हम बात करें कहां से कहां तक जाता है, तो जो भूमध्य सागर है उससे पहले ये यूरोपीय देशों इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी के क्षेत्रों से शुरू होता हुआ ये भूमध्य सागर, वहां से हिंद महासागर, हिंद महासागर से उसके बाद में ये आ गया आपके पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के बाद में दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया के बाद में आगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को यह मार्ग जाता है। इस मार्ग से लोहेश्वर सीमेंट अनाज आदि का क्या कहा जाता है परिवहन किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, पोर्ट सईद जो कहां पर है मिस्र में, कहां है मिस्र में, भूमध्य सागर के जस्ट नीचे मिस्र का एक नगर भी है पोर्ट सईद और एक वहां पर बंदरगाह है। पोर्ट सईद के बाद अदन, अदन कहां है यमन में, ये अरब प्रायद्वीप का एक गणराज्य है यमन, और यमन का जो बंदरगाह अदन है वो इसी भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग पर स्थित है। उसके बाद में अपने दक्षिणी एशिया में जाता है, दक्षिणी एशिया में भारत का मुंबई, कोचीन, उसके बाद में नीचे श्रीलंका का कोलंबो और एडिलेड जो ऑस्ट्रेलिया में, कहा है ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड बंदरगाह है। तो इन बंदरगाहों से विश्व के अंतर्गत भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग है ये परिवहन पे सुविधा देता है। उसके बाद उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग की बात करते हैं, उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग ये जलमार्ग है पश्चिमी, पश्चिमी यूरोप के देशों, पश्चिमी यूरोप के देशों, पश्चिमी अफ्रीका के देशों को मुख्यतया किसे दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से, ब्राजील, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना वह यूरोपीय को जोड़ता है, कौन से क्षेत्र को, पश्चिमी यूरोप को, पश्चिमी अफ्रीका को, इसे दक्षिण अमेरिका के ब्राजील अर्जेंटीना जैसे देशों को जोड़ता है। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग है यह उत्तर में अधिक विकसित है, क्योंकि उत्तर में पश्चिमी यूरोपीय देश आते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से उन्नत है, जबकि दक्षिण में विकासशील देश होने के कारण, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देश होने के कारण यहाँ पर यह मार्ग उत्तर की बजाय कम विकसित है। एक तो यह मार्ग था, एक उष्माशा अंतरिक्ष मार्ग है ये पश्चिमी, पश्चिमी यूरोप से कहां पर है? के गुड होप पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप पर कहां से पहुंचता है, ये केप कुड द्वीप होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, और केप ऑफ गुड होप से कहां पहुंचता है केप टाउन, केप वर्डे द्वीपों के नजदीक होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, और वहां से केप टाउन, केप टाउन से पूर्वी अफ्रीका
कौन से कहा पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका से दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया से आगे ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से आगे रहता है ये न्यूजीलैंड, कहां पर रहता है न्यूजीलैंड। उसके बाद हम चौथा जलमार्ग की बात करें, महासागर जलमार्ग, तो है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग, जो दक्षिणी अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देशों को कहां से केपटाउन होते हुए, केपटाउन दक्षिणी एशिया होते हुए कहां पर ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड से भी जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तक। दक्षिणी अमेरिका में कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे सघन वन क्षेत्र, ब्राजील के सघन वन क्षेत्र, ब्राजील के सघन वन क्षेत्र, पेटागोनिया के चारागाह है, पंपास, पंपास का कृषि उपजाऊ प्रदेश, कृषि उपजाऊ प्रदेश, एंडीज, एंडीज की सोने के खाने या फिर खदाने, एंडीज पर्वत से खदानों को प्राप्त करके कहां से दक्षिण अमेरिका के बंदरगाह है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, सेंटोस, सेंटोस अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से इन क्षेत्रों से वन क्षेत्र चारागाह है, कंपास आकर्षित दो प्रदेश एंडीज ग्रोथ क्षेत्रों से कपास, मूंगफली, कौवा, तंबाकू आदि पदार्थों को परिवहित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं खाड़ी कैरिबियन जलमार्ग, जो व्यापारिक दृष्टि से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा? खाड़ी कैरिबियन जलमार्ग, ये कहां से कहां पर होता है? मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन, कैरिबियन सागर तटीय बंदरगाहों, सागर तटीय बंदरगाहों को जोड़ने का कार्य करता है, को जोड़ने का कार्य करता है, और जिसमें आते कौन कौन से पदार्थ, नारियल, कोको, कौवा, कॉफी, कपास, बॉक्साइट, लोएसेट, लोएसेट आदि पदार्थों का परिवहन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, इसकी कहते हैं प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर होने के बावजूद, यानी कि स्थलभाग के 12% भाग को कवर करता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से इसका इतना महत्व है नहीं है। व्यापारिक दृष्टि से महत्व नहीं होने के दो कारण है, दो कारण, और ये दो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण तो कि जो औद्योगिक नगर है, जो औद्योगिक, पहला कारण क्या है?
औद्योगिक नगर पश्चिमी यूरोप के अटलांटिक तट पर और उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर, पश्चिमी यूरोप व पूर्वी उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर, अटलांटिक तट पर अधिकांश औद्योगिक नगर है। इसके कारण प्रशांत महासागर में व्यापार का कार्य अधिक नहीं किया जाता है। प्रशांत महासागर से दूसरा कारण क्या है, प्रशांत महासागर में कोई भी व्यापारिक द्वीप नहीं है, कोई भी व्यापारिक द्वीप नहीं है। साथ ही प्रशांत महासागर से लगने वाले देशों में अगर हम बात करें पूर्वी की तरफ तो जापान को छोड़कर और पश्चिम की तरफ बात करें तो अमेरिका को छोड़कर कोई भी ऐसा औद्योगिक नगर नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, यहां पर आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि जापान के पश्चिम में, सॉरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में जापान नाम मिलेगा और प्रशांत महासागर के पूर्व में क्या नाम मिलेगा, अमेरिका नाम मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रशांत महासागर के पश्चिम में जापान कैसे, जापान तो सबसे पूर्व में है। आपको पता है कि ग्लोब की आकृति ऐसी है और जब हम इसको अध्ययन बोर्ड पर या कागज पर करते हैं तो इस प्रकार हो जाता है और यहाँ पर क्या है प्रशांत महासागर है, प्रशांत तो ये इस प्रकार होगा तो सबसे पूर्व में जो जापान है ये किसके प्रशांत महासागर किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम ओर हो जाएगा। और यहाँ पर जो अमेरिका है ये प्रशांत महासागर की किस तरफ हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। ये दो औद्योगिक नगर है, इनको छोड़कर कोई औद्योगिक नगर नहीं है। उनके बाद हम बात करें प्रशांत महासागर के दोनों नगरों के बाद जो मुख्य जलमार्ग है, प्रशांत महासागर का जो मुख्य जलमार्ग है वो होनोलुलु, होनोलुलु होनोलुलु हवाई पतन से होकर गुजरता है। कहां से, होनोलुलु हवाई पतन से होकर गुजरता है और यह होनोलुलु प्रशांत महासागर जलमार्ग को दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में, दो भागों में, एक तो उत्तरी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग और दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। दूसरा कौन सा है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग है ये कहां से शुरू होता है, चीन, कहां से चीन, जापान, जापान चीन और फिलीपींस होते हुए नेशन है बताया, फिलीपींस फिलीपींस और इंडोनेशिया, जबकि दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग है वह काम की ओर जाता है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड व न्यूजीलैंड। यह था अपना प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। अब आता है स्वेज नहर जलमार्ग और नीचे आता है आपका पनामा नहर जलमार्ग। इनका दोनों का अध्ययन हम तुलना करके करेंगे, दोनों की क्या है तुलना करके इनका अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं स्वेज नहर और पनामा, एक तरफ स्वेज नहर पनामा। स्वेज नहर वर्तमान में किसके अधीन है, किसके अधीन है, पनामा नहर, पनामा नहर किसके अधीन है, पनामा नगर के अधीन। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो किस उद्देश्य से किया गया था, दूसरी बात है निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। स्वेज नहर का जो निर्माण है वो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर व लाल सागर
भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। पनामा नहर का निर्माण है वो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए कह गया। प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए कह गए। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसके निर्माण की एक लंबी परंपरा है कि सबसे पहले स्वेज नहर बनाने का विचार किसके दिमाग में आया? तो वो है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी दूतावास अलेक्जेंड्रिया के फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर, फ्रांस दूतावास के इंजीनियर कौन थे? फर्डिनेंड, फर्डिनेंड डी लिशेप्स, डी लिशेप्स ये थे स्वेज नहर के नेम रखने वाले के दिमाग में विचार है। 1869 में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? 1869 में। पनामा नहर है, पनामा नहर का विचार तो 16वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन एक क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है, इसका निर्माण कब हो गया? इसका उद्घाटन हुआ 1949 15 अगस्त 1949 तो वह 15 अगस्त 1949 ये हो गया इसमें स्थापना में अंदर। उसके बाद हम बात करें कि 1879 के बाद है ये इस पर किसका शिकार था? फ्रांस तुर्की और मिस्र का, फ्रांस तुर्की और मिस्र का। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर पर राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1967 में इस राष्ट्रीयकरण को यूएनओ द्वारा मान्यता दी गई। कब दी गई? 1967 में यूएनओ द्वारा मिस्र के स्वेज नहर पर राष्ट्रीयकरण को मान्यता दी गई। उसके बाद हम बात करें पनामा नहर की, तो पनामा नहर का जो विकास होता हुआ था 1914 में हुआ था, 1914 में, और 1914 से लेकर 1 जनवरी 2000 तक इस पर अमेरिका का अधिकार था, इसका अधिकार था अमेरिका का अधिकार रहा, और 1 जनवरी 2000 के बाद इस पर किसका अधिकार हो गया? पनामा नगर का। इसका अधिकार हो गया पनामा नगर का, यानी कि लगभग 85 वर्षों तक ये अमेरिका के नियंत्रण में रही। कौन सी नहर? पनामा नहर। उसके बाद इसमें हम अगले अंतर की बात करें, देशों की बात करें, तो इसकी सीमा पर जो देश है वो अधिक क्या है? विकसित। उसकी तरह कम विकसित कौन कौन से आते हैं इनमें? फ्रांस। सीमा पर विकसित देश है लेकिन प्रभावित ज्यादा कौन से होते हैं? फ्रांस, आपका इजराइल, भारत, मिस्र, उसके बाद म्यांमार, और इस तरह प्रभावित होने वाले देश सिर्फ दो हैं, एक तो पनामा नगर और दूसरा अमेरिका। उसके बाद हम अगले अंतर की बात करें, जलबंधकों की बात करें, जलबंधक, तो जलबंधक इसका धरातल क्या था? स्वेज नहर का एकदम सीधा था, जब इस पर किसी जलबंधक की आवश्यकता नहीं थी। और पनामा नहर पर कितने 6 जलबंधक बनाए गए हैं? कितने 6 जलबंधक बनाए गए हैं? जलबंधक क्यों बनाए गए हैं? जलबंधक क्या होता है? लॉक्स,
यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से नहर को निकालने के लिए लॉक्स के माध्यम से नहरों को निकाला जाता है और ये तो सीधे धरातल पर है इसलिए इसमें कोई जलबंधन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें लंबाई चौड़ाई की, लंबाई चौड़ाई और गहराई में क्या अंतर है, लंबाई चौड़ाई और गहराई में, तो स्वेज नहर है इसकी लंबाई है वो 162 किलोमीटर, इतनी है 162 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई है वो कितनी है, 82 किलोमीटर, कितनी है 82 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, स्वेज नहर की चौड़ाई है वो है 60 मीटर और पनामा नहर की चौड़ाई है वो है 90 मीटर, कितनी है 90 मीटर। गहराई 10 मीटर और पनामा की गहराई है वो 12। ये हो गया लंबाई चौड़ाई एवं गहराई के आधार पर अंतर। इसके बाद अगर हम बात करें यातायात की, तो स्वेज नहर में यातायात क्या है, एकतरफा, क्या है एकतरफा। पनामा नहर में यातायात है दोनों तरफ। बात करें ईंधन की, कोयले की बात करें तो स्वेज नहर के लिए आसानी से उपलब्ध है, लेकिन पनामा नहर के लिए ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। बात करें इस पर नियंत्रण, अधिकांश उपयोग इसका किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वेज नहर का अधिकांश उपयोग इंग्लैंड करता है। कौन सा देश करता है, इंग्लैंड, और पनामा का अधिकांश उपयोग करता है अमेरिका। कौन सा करता है, अमेरिका। यह था बच्चों आपका स्वेज व पनामा नहर के बीच अंतर, यानी कि दो बड़े विश्व के महासागरीय जलमार्ग जो विश्व के अधिकांश वस्तुओं का परिवहन करते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा पढ़ा था हमने, भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय जलमार्ग, जो किससे होकर गुजरता है, स्वेज नहर से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, स्वेज नहर से होकर गुजरता है। धन्यवाद।